Hello friends, myself Nivetha Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivetha. आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे. लास्ट पार्ट्स में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कवर किया था. इस पार्ट में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखेंगे. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस टोटल 5 हैं. पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस एंड देन एवोगैड्रोस लॉ. ये टोटल 5 लॉज हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोइन लेवोशियर ने 1789 में दिया था. ये लॉ क्या कहता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास रिएक्टेंट का होगा एग्जैक्टली उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा. दोनों मासेस इक्वल होंगे. अब सबसे पहले रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो रिएक्टेंट होते हैं. और जो रिएक्शन का रिजल्ट हमें मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है. इस इक्वेशन में फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 2Mg+O2 गिव्स 2MgO. ये मैग्नीशियम रिबन के कंबशन का इक्वेशन है. ये क्या कहता है? दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स मैग्नीशियम के जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दो एटम मैग्नीशियम ऑक्साइड के देते हैं. इसमें देखिए यहाँ पे भी दो एटम है मैग्नीशियम के, यहाँ पे भी दो एटम है मैग्नीशियम के. ऑक्सीजन भी यहाँ दो एटम डाई एटम है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन डाई एटम है. तो टोटली जो इतना मास यहाँ पे था रिएक्टेंट का उतना ही मास यहाँ पर प्रोडक्ट का था. तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हुआ. ना ही कोई मैटर क्रिएट हुआ और ना ही कोई मैटर डिस्ट्रॉय हुआ. जो जैसा था वैसा हमें मिल गया. और यही रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की ही वजह से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करेगा. यही रीजन है कि हमें हर एक इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करके लिखना चाहिए. नेक्स्ट लॉ पे आते हैं. ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लुईस पाश्चर ने दिया था जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट है. ये लॉ क्या कहता है? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास. कोई गिवन कंपाउंड हमेशा एग्जैक्टली हमेशा सेम प्रोपोर्शन, जो सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होगा मास उनका सेम रहेगा. इसको ऐसे समझते हैं, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो आप हमेशा वही रहोगे, आपकी आइडेंटिटी सेम होगी. चाहे आप आज इस स्टेट में हो चाहे दूसरे स्टेट में हो, आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है. आपकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी बॉडी का डिजाइन चेंज नहीं हो रहा है. वही चीज ये भी कह रहा है कि कोई गिवन कंपाउंड कि कहीं पे भी पाया जाए कैसे भी हो, लेकिन उस कंपाउंड का केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा सेम होगा. वो हमेशा एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन में कंबाइंड होगा. हम जानते हैं कि कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं. तो वो जिस प्रपोर्शन में जितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड है हमेशा उतने ही एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड रहेगा. उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा. एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे. देखिए हम वाटर लेते हैं, तीन सैंपल्स लिए हैं हमने वाटर के. एक लेक का वाटर है, दूसरा सैंपल पॉन्ड का वाटर है और तीसरा रिवर का वाटर है. इन तीनों वाटर में आप ये बताइए इसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होगा? है तो ये वाटर ही, तो ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना होगा. इसमें एटम्स को चेंज हो नहीं जाएंगे, एलिमेंट्स को चेंज हो नहीं जाएंगे और साथ ही साथ इनका कॉम्पोजिशन तो सेम होगा. और साथ ही ये जहां पे भी पाई जाएंगी इनका प्रपोर्शन भी सेम होगा. हम जानते हैं 2:16 का रेशियो होता है इसका मास का. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो हमें 1:8 मिलेगा. तो ये एग्जैक्टली क्या रहा है कि वाटर कहीं पे भी हो, किसी भी सोर्स का हो, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ 1:8 के रेशियो में ही कंबाइंड होगा. इसका प्रपोर्शन चेंज नहीं होगा. तो ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. नेक्स्ट पे आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है?
if two elements combine to form more than one compound, the mass of one element that combined with fixed mass of other element are in simple whole number ratio. स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लीमेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव स्टेटमेंट है. एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे. देखिए ये कह क्या रहा है, जब कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे आपस में, ठीक है, इतना समझ में आया, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होंगे दो से एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो क्या होगा, द मास ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास जो कि फिक्स्ड है, एक एलिमेंट का मास जो कि फिक्स्ड है, वो अदर एलिमेंट के साथ हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होगा. मतलब क्या है कि देखिए, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए, ये हम जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही तरह का कंपाउंड बनाते हैं, वो बहुत तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं. तो वही ये कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो क्या होगा, द मास ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास जो कि फिक्स्ड मास है, उसका मास चेंज नहीं हो रहा है अगर, तो जो अदर एलिमेंट होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा. अब इसको एग्जांपल से देखते हैं. देखिए यहाँ हमने दो कंपाउंड्स लिए हैं, एक H2O और एक H2O2, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं, सेम एलिमेंट्स हैं. पहला देखते हैं, देखिए इसमें H2 है और साथ में हाफ O2 है. इनका मास अगर हम निकालें तो 2 + 16 हमें 18 मास मिला. इसमें हाइड्रोजन का मास हमारा 2 है और ऑक्सीजन का मास 16 है. अब दूसरे पे आते हैं, ये कंपाउंड है हमारा H2O2, H2 और O2. इसमें 2 × 1 हाइड्रोजन का मास 2 आ गया हमारा और साथ में 16 × 2 ऑक्सीजन का मास हमारा 32 आ गया. अब देखिए इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का मास इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का मास क्या हुआ, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है. इसमें अब देखिए स्टेटमेंट से इसे टैली करिए, एक एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स्ड होगा, दोनों जगह 2 है, और दूसरे एलिमेंट का मास सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा. अब 16:32 का रेशियो निकालिए तो हमेशा आपको 1:2 ही मिलेगा, 1:2 ही मिलेगा. तो यहाँ क्या हमें मिल रहा है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिल रहा है दो एलिमेंट्स के कंबाइन होने पे. यही था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब हम आगे के लॉज डिस्कस करेंगे. आगे हमारे बचे हैं दो लॉज, पहला है हमारा गेलोसैक्स लॉ ऑफ गैसेस और दूसरा है हमारा एवोगैड्रोस लॉ. सबसे पहले हम देखते हैं गेलोसैक्स लॉ ऑफ गैसेस. गेलोसैक्स का गैसेस का लॉ क्या कहता है, नेम से ही आपको पता चल रहा है, ये लॉ गेलोसैक ने दिया था, ठीक है, कब दिया था, 1808 में. ये क्या कहता है कि द टू और मोर देन टू गैसेस, जब दो या दो से अधिक गैसेस कंबाइन होती हैं, व्हेन two or more than two gases combine to form a gaseous compound, they combines in volume. इसके कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक गैसेस मिलकर कोई नया गैशियस कंपाउंड बनाएंगी तो वो किस में बनाएंगी, फिक्स्ड वॉल्यूम में बनाएंगी, इन फिक्स्ड वॉल्यूम, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, फिक्स्ड वॉल्यूम में हमेशा बनाएंगी गैसेस. याद रखिए हमेशा ये लॉ सिर्फ गैसेस पे अप्लाइड होगा, जब दो गैसेस मिलकर के एक अदर गैशियस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगी तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा. एग्जांपल से देखते हैं,
हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 क्या बना रहा है हमारा 2HCl। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और साथ में गैसियस HCl भी बन रहा है। यहां हो क्या रहा है कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के गैसियस मॉलिक्यूल और साथ में दो मॉलिक्यूल क्लोरीन के, वो भी गैसियस फॉर्म में है और ये बना क्या रहे हैं दो मॉलिक्यूल HCl के, HCl के वो भी गैसियस फॉर्म में। इसमें क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे वन वॉल्यूम है, ये भी वन वॉल्यूम है, मिलके ये क्या बना रहा है टू वॉल्यूम बना रहा है। अगर हम इसे 100 ग्राम ले लें, इसे भी 100 ग्राम ले लें, तो ये टोटल हमारा 200 ग्राम HCl ही तो बना रहा है। तो यही ये लॉ कहता है कि हमेशा दो या दो से अधिक गैसेस जब आपस में कंबाइन होके कोई गैशियस कंपाउंड फॉर्म करेंगी तो वो हमेशा एक फिक्स्ड वॉल्यूम में ही फॉर्म करती हैं, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अब नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं, हमारा ये फोर्थ लॉ था, अब नेक्स्ट लॉ फिफ्थ लॉ एवोगैड्रोस लॉ डिस्कस करते हैं। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ, ये भी गैसेस का ही लॉ है। ये लॉ क्या कहता है, इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस, ऑल गैसेस गैसेस एट सेम टेम्परेचर शुड कंबाइन should combine contain sorry should contain equal number of molecules, equal number of molecules। ये क्या कह रहा है, अगर equal number of all gases, gases equal number पे अगर same temperature पे हो, अगर उनका temperature change ना हो तो हर gas में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर गैसेस के, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उनके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। मान लीजिए यहाँ हमने फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, H2 plus Cl2 gives 2HCl। इसमें मान लीजिए अगर इसमें 10 मॉलिक्यूल्स थे प्लस इसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स थे तो ये मिलकर 20 मॉलिक्यूल्स ही तो देंगे। इनके अंदर मॉलिक्यूल्स का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, अगर क्या कंडीशन है, अगर इनका वॉल्यूम सेम हो और टेम्परेचर सेम हो। मान लीजिए इसका वॉल्यूम हमने 100 ग्राम ले लिया, इसका भी वॉल्यूम 100 ग्राम और इसका वॉल्यूम 200 ग्राम हमें मिल गया। तो देखिए इनका वॉल्यूम जैसे चेंज हुआ वैसे ही मॉलिक्यूल्स का भी नंबर चेंज हुआ। अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो इनके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर भी सेम होगा। यही था हमारा एवोगैड्रोस लॉ। इसके साथ हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के पांचों लॉज खत्म होते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे इसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।